सोयल के समीप लोगड़ा में एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई है। कार में करीबन 5 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि कार काफी गहरी खाई में भी गिरने के बाद उसमें सवार सभी लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं। सोलन के समीप लोगड़ा में एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई। कार में करीबन 5 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि कार काफी गहराई में भी गिरने के बाद उसमें सवार सभी लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं और सभी सुरक्षित हैं। मिली जानकारी के अनुसार कार में सवार महिला की एक दिन पहले ही शादी हुई थी और वह कसौली की ओर जा रहे थे और अचानक सामने से आई कार को बचाते हुए उनकी कार खाई में जा गिरी। कार जैसे ही खाई में गिरी वहां आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पलटी हुई कार को सीधा कर उसमें से सभी लोगों को बाहर निकाला और उन्हें निजी वाहन में ही अस्पताल पहुंचाया गया। निजी वाहन में इसलिए अस्पताल पहुंचाया गया क्योंकि 108 एम्बुलेंस को कई बार बुलाने पर भी वे मौके पर नहीं पहुंची। अधिक जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार में सवार 5 घायल सवारियों को निकाला गया। इस दौरान एम्बुलेंस को करीबन 10 बार फोन किया गया लेकिन वे मौके पर समय रहते नहीं पहुंची। घायलों को तबीयत खराब होने लगी थी इसलिए घायलों को निजी वाहनों से ही अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में विकास के बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं लेकिन हकीकत में एम्बुलेंस भी मौके पर नहीं मिल रही, जिसको लेकर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और व्यवस्थाओं को बदलना चाहिए। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और मैं सोनोगढ़ा का निवासी हूँ। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, हम वहाँ पहुँचे तो वो करीब 5 लोग थे। हमने जो है वो एम्बुलेंस को करीब 10 कॉलें की है, वो मैंने खुद की है, 10 कॉलें की है तो उनका प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला हमें। मैं उनके कॉन्टैक्ट में रहा, मैं उनसे पूछते रहा बट वो जब उनको 10वीं कॉल की तो उस टाइम भी वो कंडाघाट में ही खड़े थे। तो ये हैरानी की बात है कि वो क्यों नहीं पहुँचे। हम लोगों ने जो है लोकल गाड़ी में उनको रेस्क्यू करके लोगों को यहाँ पहुँचाया है। अब अगर एम्बुलेंस से काम नहीं करेगी तो हम किसको कॉल करेंगे? तो एम्बुलेंस मनी काहे के लिए है? सरकार क्या कर रही है, क्यों काम नहीं कर रही है?